हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे वर्धमान पॉलीटेक्स की बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिला है और ये स्टॉक ऑलरेडी एक साल में 241% का रिटर्न दे चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड का बेसिकली यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड खबर है, जो यहाँ पे शेयर प्राइस 10 टुकड़ों में बंटने जा रही है। एक शेयर को 10 टुकड़ा यहाँ पे किया जाएगा और इसकी जो फेस वैल्यू अभी के टाइम पे 10 रुपया के करीब आपको देखने को जो मिल रहा है, वो 1 रुपया आपको यहाँ पे वर्धमान पॉलीटेक्स का फेस वैल्यू हो जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं, यहाँ पे पीडीएफ ओपन कर रखा हूँ। 28 मार्च देख सकते हैं, 28 मार्च का 2024 का यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल रहा होगा और ये वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड का यहाँ पे लोगो आपको देखने को मिल रहा होगा। आप देख सकते हैं ये चीज़, और यहाँ पे इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे पूरी डिटेल आपके साथ साझा करूँगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक लाइक करने में या एक सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा टाइम, उसमें आपका कोई भी कॉस्टिंग नहीं लगता, सिर्फ क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे आप ये काम जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगते हैं वीडियो को बनाने में। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी भी प्रकार के बाय एंड सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही वीडियो दे रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आउटकम बोर्ड मीटिंग हुआ था और यहाँ पे अपडेट कंपनी ने दिया है। बेसिकली 249वां यहाँ पे मीटिंग देखने को मिला था 28 तारीख को, अगर मतलब बात करें आज की डेट में ही। तो यहाँ पे कंपनी सब डिवीजन से रिलेटेड अपडेट देती हुई नजर आई। सब डिवीजन ऑफ इक्विटी शेयर कंपनी फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर अभी है, जो 1 रुपया पर शेयर हो जाएगा। तो कंपनी का सब डिवीज़न होगा, जो रिकॉर्ड डेट होगा, जो यहाँ पे एक तरह से अगर हम देखें तो कंपनी का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कंपनी रिकॉर्ड डेट सच सब डिवीज़न शेयर ऑफ भी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे एक तरह से इंटीमेट करेगी कि कब होगा ये सारी चीज़ें, रिकॉर्ड डेट कब रहेगा, ये सारी चीज़ें अपडेट किया जाएगा आपको। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी की जो कुछ यहाँ पे आपको एम ओ ए से रिलेटेड अपडेट आपको क्लाउड से रिलेटेड अपडेट देखने को मिल रहा है, जो सब डिवीजन से रिलेटेड अदर यहाँ पे भी अपडेट आपको और भी देखने को मिलेंगे, जो मैनेजमेंट में चेंज से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलता है इस कंपनी के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे अगर अभी के देखें, ऑडिट कमेटी है जो इस कंपनी के अंदर, जो यहाँ पे संची तनेजा है जो कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन है, और मंजू ओसवाल हैं जो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो मेंबर हैं इस कंपनी कमेटी के, और रोहित जैन हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और यहाँ पे मेंबर हैं इस कमेटी के। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम बात करें नॉमिनेशन री न्यूमरेशन कमेटी की बात करें, तो यहाँ पे ये सब सारे सेम चीज़ें आपको, सेम नेम आपको देखने को मिलेगा। और लेकिन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के अंदर आदिश ओसवाल हैं जो यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेंबर यहाँ पे नज़र आते हैं दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे अगर सीएसआर कमेटी की बात करें, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, नेम ऑफ डायरेक्टर में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिला दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो पसंद आया हो स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।